आप देख सकते हो यहाँ पे विन नंबर वन के बाद यहाँ पे मैस हॉल है, टीवी हॉल है और यहाँ पे इंडोर गेम हॉल है। लेकिन इंडोर गेम हॉल में यहाँ पे तो दोस्तों वेलकम टू निपुण लाइफस्टाइल। तो दोस्तों आज पूरे हॉस्टल का आपको वीडियो लाऊंगा, सत्यम बॉयज हॉस्टल का। तो बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि हॉस्टल रूम का वीडियो और सत्यम बॉयज हॉस्टल का वीडियो चाहिए करके, तो आज इसके ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो। उससे पहले मैं अपना जुपिटर बनवाने देना है तो पहले जोरा चलता हूँ, उसके बाद आप लोग को पूरा हॉस्टल दिखाऊंगा। पहले जोरा चलते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बीएससी का जो कॉलेज है वो है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, और न्यू कॉलेज भी है, उसका भी वीडियो मैं ले आऊँगा। फिलहाल आज अपना हॉस्टल का वीडियो। तो अब ये हमारे हॉस्टल के सामने क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पाम टेक एशिया का जो मेला हुआ था उसके वजह से हमें पूरा ख़राब कर दिया गया है। क्रिकेट ग्राउंड अच्छा खासा था और उसके बाद ये है अपना सत्यम बॉयज हॉस्टल। जैसे कि आप देख सकते हो सत्यम बॉयज हॉस्टल। अब सत्यम बॉयज हॉस्टल के अंदर चलते हैं और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वो देखते हैं। तो यहाँ से अंदर जाते हैं तो यहाँ पे गेस्ट रूम है, ये अपना गेस्ट रूम, और यहाँ से सीसीटीवी कैमरा चालू है। और फिर अपन यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे विन नंबर वन और ऊपर में विन नंबर फाइव है। विन नंबर वन अपना है, आप मेरे वीडियोस में तो देखे ही होंगे। यूरियन उड़ा तो लाइट जला दे। तो यहाँ पे आता है रूम नंबर वन, और रूम नंबर वन है आकाश और संदीप का, और ये पूरा विन बीटेक वाले लोग का है। तो अभी लगभग सब फ्रेंड्स मेरे बाहर चलते हैं, इधर उधर गए तो उन लोग नहीं है। तो ये है ऋषभ का रूम और जतिन का रूम, इसके बाद इधर पप्पू का रूम, 11 नंबर रूम। फिर ये है मेरा रूम, 3 नंबर रूम, और मेरे रूम मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। तो ये कूलर अपने रूम में, सीनियर छोड़ के चले गए थे तो अपने को कूलर भी मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे अपने को दो बेड मिलता है, ये मेरा बेड है और ये है मेरे रूम में दीपक सिन्हा उसका बेड। और उसके बाद दो टेबल मिलता है ये, और ये रूम बहुत ज़्यादा गंदा है गाइस। तो दो चेयर मिलता है और ये है कबर्ड। तो अगर मैं कबर्ड खोल कर दिखाऊँ तो इसमें यहाँ पे मैं अपना कपड़ा और ये सब सामान रखा हुआ हूँ। तो ये कबर्ड मिलता है, मेरे रूम में कभी यही सेम ऐसी कबर्ड है। तो अच्छा देख सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है रखने के लिए। तो ये अपना ऐसा है रूम। तो अब रूम तो आप देख लिए, लाइट और ये फैन और ये मेरा बेड। तो अब रूम से बाहर निकलता हूँ। तो ये अपने यहाँ पे फर्स्ट विन में मेरा रूम नंबर है 3। और फिर अपन ज़्यादातर फ्रेंड्स मेरे बाहर ही गए हुए हैं। वन का तो हाल आप देख लिए, तो अभी अपन मैस देखेंगे, मैस हॉल। और यहाँ वाटर कूलर कहाँ पे है, वाटर कूलर, और यहाँ पे गेम्स का भी सुविधा है लेकिन अभी वो टूटा फूटा है तो अभी उसका होम पार नहीं रहा, तो अभी वहाँ पे भी देखते हैं। तो इधर से अपन विन नंबर वन से अपन निकलते हैं। तो यहाँ पे विन नंबर वन के बाद यहाँ पे मैस हॉल है, टीवी हॉल है और यहाँ पे इंडोर गेम हॉल है। लेकिन इंडोर गेम हॉल में यहाँ पे वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर कूलर्स है, और यहाँ पे टेबल टेनिस का बोर्ड है लेकिन टूटा फूटा है तो अभी उतना अच्छे से नहीं है यहाँ पे इंडोर गेम के लिए। सिर्फ यहाँ पे वाटर कूलर का यूज़ होता है, यहाँ पे अपन वाटर कूलर के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं हम बाहर। तो यहाँ पे मैस हॉल और यहाँ पे टीवी हॉल, और मैं टीवी हॉल में अगर मैं दिखाऊँ तो टीवी हॉल में यहाँ पे टीवी लग चुका है, टीवी हॉल खाली पीली है अभी। तो यह टीवी हॉल,
जाओगे तो विन नंबर 1 और 5 है, इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे विन नंबर 7 है और यहाँ पे 3 और 4 है, और इधर जाओगे तो विन नंबर 6 और 2 है, यहाँ पे 3 है, और इधर आएगा विन नंबर 8 और 4। ये चारों तरफ अपना विन और सब तरफ की ऐसी ही रूम्स है, और टोटल यहाँ 200 स्टूडेंट रह सकते हैं। तो आपको मैथ्स हॉल का एक कम्प्लीट वीडियो मैं लाऊंगा, तो मैथ्स में कैसा खाना मिलता है, कैसा है, तो मैथ्स का फीस कितना होता है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे वॉशरूम भी अगर आपको देखना है तो वॉशरूम यहाँ पे से अपना बॉयज़ वॉशरूम है, तो यहाँ पे 2 वॉशरूम मिल जाते हैं बॉयज़ के, तो ये वॉशरूम और ये भी वॉशरूम है बॉयज़ वॉशरूम। तो विन नंबर 1 में इसी तरह विन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह है विन नंबर 1 का अपना, जो यहाँ पे अपने तो स्विच स्टैंड में मिल जाता है। आज के वीडियो में अपन अपना रूम देखे और टीवी हॉल इंडोर गेम्स के लिए अपना हॉल है वो, और मैस हॉल अभी अंदर से मैं आपको नहीं दिखाया हूँ, वैसे आप बहुत सारे वीडियोस में देखे ही हो रहे। मैस हॉल और का एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ मैं, जिसमें मैस में खाना कैसे बनता है, कैसे मैस का फीस होता है, कितना खाना वेस्ट होता है, कितना खाना बचता है, ये सब रहेगा उसमें। तो फिलहाल अभी मैं ये रूम का वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड में था और फीस भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा मैं यहाँ का मैथ का फीस तो मैथ वाले वीडियो में बताऊँगा। यहाँ सिर्फ रहने का फीस है 1200 रुपये पहले था, अब हो जाए 1600 रुपये सेमेस्टर फीस, 1600 लगभग सेमेस्टर फीस है, और ये सब फैसिलिटी और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं लगता, वाईफाई है लेकिन वाईफाई का चार्ज नहीं लगता, हमें सिर्फ 1618 रुपीज़ देना है, 1618 रुपये इसमें पूरी फैसिलिटी आ जाती है अपने को, और मैथ का चार्ज अलग है, तो मैथ वाले वीडियो में उसको मैं कम्प्लीट बता दूँगा कितना रहता है, कैसा रहता है मैथ का चार्ज। तो फिलहाल आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी तरह और कंटिन्यू मैं IGKV से रिलेटेड वीडियोस लाते रहूँगा और टॉपर से भी इंटरव्यू लूँगा। अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से बुक से पढ़ाई करना है, ये सब मेरे वीडियो में आते रहेंगे। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल में बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।